अभी सामने एक डोर है, इसके अंदर कर लो पाता में बदबू। अबे इस तरफ अभी इस तरफ भी संडे सब काम करके पानी नहीं देता है कैसल वालों, समझ रहे हो। और कल फैमिली पर्स फिर से हम आ चुके हैं वही रेड कैसल पर, एंड इस वीडियो में हम बाकी का एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे इसी रेड कैसल का। तो लास्ट वीडियो पे यही पड़ी हमारा एक्सप्लोरेशन स्टॉप कर दिए थे एंड अभी यही से बाकी का एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट टाइम ऊपर के फ्लोर पे एक रूम और था, डाइनिंग हॉल हाँ कह सकते हो, बस सब लोग एक साथ मिलकर खाना वाना खा सकते। ये रहा एक और रूम ऊपर एंड नीचे एक और रूम था, वो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। ऊपर का रूम एक्सप्लोर बाकी था एंड ये रहा ऊपर का रूम, अच्छा सजाया हुआ है, बहुत ही अच्छा आग पाक जल रहा है। एंड इस तरफ एक छोटू सा किचन है जो हमेशा की तरह ही खाली रहता है, कुछ भी मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं है। फर्नेस से अवन फवन बना के रखा है इन लोगों ने। एंड सामने एक छोटा सा स्टोर रूम है, एंड स्टोर रूम के अंदर चलो शुक्र है कुछ खाना पीना तो है, ले लेते चख लेते अगर भूख लग जाए तो काम आ जाएगा हमारा। 6.5 hours later देन घूमते घूमते पता नहीं किसके बेडरूम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर एक बेड एंड इस रूम पे दो बेड। अभी सामने एक डोर है, इसके अंदर कर लो पाता में बदबू। अबे इस तरफ भी संडा सब काम करके पानी नहीं देता है कैसल वालों, समझ रहे हो। पिछली वीडियो में भी एक संडास मिला था, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा बदबू था, वो कार्टोग्राफर काम करके पानी नहीं देता। अभी ये इस तरफ भी, तो बदबू से बच के एक और अच्छी जगह पे हम आ चुके हैं। एंड बाहर का मौसम थोड़ा ही खराब है, बाहर बारिश हो रहा है। एंड इसके अंदर यहाँ पर ये क्या है बता सकते हो सब लोग, मतलब ये कैसा बेहूदी सी मजाक है, कुछ देना ही नहीं था तो दरवाजा क्यों लगाया। A few moments later चलो छोड़ो, इससे बाहर निकल के थोड़ा सा सामने आते हैं। यहाँ पे ये लो एक भाई साहब जी, काम धंधा नहीं है, घर पे आके सोने का प्लान कर रहे हैं। और कोई रूम, वो ये रूम थोड़ा सा ज्यादा ही तगड़ा नहीं है। यहाँ पे चेस्ट बेड एंड कैंडल फैंडल्स है। ये लो बाहर बारिश हो रहा है, कर लो बात। अभी घूमते घूमते एक ब्रिज पे आ चुके हैं हम, मतलब इस पार से उस पार जाने का छोटू सा ब्रिज। पहले तो बाहर जाना है, अंदर का एक्सप्लोरेशन कम्प्लीट, अब आउटसाइड का एक्सप्लोरेशन करेंगे। 2000 years later देन ये लो बाहर आ चुके हैं हम, एंड बाहर से ही अब आउटसाइड का एक्सप्लोरेशन पे चलते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ क्या न्यू चीज हो सकता है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा खेती बाड़ी करके रखा है, सामने गाँव वाला है गवर्नमेंट। ये क्या है, स्टोर रूम। अब स्टोर रूम तो अंदर था, बेसमेंट टाइप हो सकता है। कलो बात ये रहा फिर से भूल भुलैया वो। यहाँ पर एक डोर है, अंदर कुछ है गुफा टाइप, इसके अंदर भी कुछ है बट लीवर और स्विच टाइप कुछ नहीं है। ओके सामने थोड़ा सा और जाते हैं, यहाँ पर ओए जेल। अबे जो कोई भी शैतानी करेगा उसको जेल पे डाल दिया जाएगा। लो भाई घूम फिर के, अबे भूल भुलैया से कुछ कम नहीं है। नेदर पोर्टल वो, अबे यही से ही दूसरे वर्ल्ड पे ये सब लोग व्यापार करते हैं। ओके समझ गया, तो चलो नेदर पोर्टल को छोड़ो एंड जाएंगे थोड़ा सा सामने। एंड लाइट्स, ये कौन सा रूम है, कर लो बात। अभी ये कुछ ज्यादा ही बड़ा जेल नहीं हो गया। लो भाई वो मिनी जेल था, ये उससे भी बड़ा जेल था। ये लीवर मेरे काम पे आ सकता, वो सब दरवाजा खोलेंगे। ये लो लीवर लगाया, खुल गया। इसके अंदर हो गया पोपट, कुछ भी नहीं है। तोड़ो इसको, इस दरवाजे पे लगाओ, इसके अंदर कुछ कर लो बात। ये भी जेल है। अबे मैंने सोचा था कुछ खजाना वजाना होगा, बस नेदर पोर्टल का रास्ता है, व्यापार करने का रास्ता है। यहाँ पर एक बटन लगाओ, इसके अंदर जा कर लो बात, बंद होगा खुल जा इस बटन। ये भी जेल, ये देखो ऊपर बटन लगाओ। चलो निकलते हैं। और कुछ है इस जेल के अंदर, इस भूल भुलैया के अंदर नहीं। लेकिन बहुत मेहनत के बाद बाहर आए हैं एंड बाहर आने के बाद ये रहा एक कुआ, कह सकते हो छोटा सा कुआ पानी निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक स्टेयर्स वाला रूम है, इसको पकड़ के ऊपर जाएंगे। मुझे नहीं पता क्या ही हो सकता है ऊपर। सामने एक और ब्रिज, छोटू सा ब्रिज। एंड मेरे सामने है एक किचन नहीं रेस्टोरेंट कह सकते हो। यहाँ पर बैठ के सब लोग खाना पीना करते हैं। अभी जल्दी करके देखते हैं स्टेयर्स कहाँ पे ले जाता है हमको। एंड ये हम आ चुके हैं एकदम टॉप पे, जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है इस कैसल का। एंड है गवर्नमेंट, वो क्या है, वो एक दूसरा कैसल है। ये देखो ये दोनों कैसल पे हम थे एंड वो एक दूसरा कैसल है। पूरा रास्ता सामने जाने का उस कैसल पे, तो चलो उस कैसल पे भी जाएंगे, देखेंगे उस कैसल पे क्या हो सकता है हमारे सामने। क्या ही लो भाई ये रहा रास्ता है सो सामने वाले कैसल का। एंड ये हम उस कैसल पे आ चुके हैं, थोड़ा सा टॉप व्यू लेंगे। यहाँ पर एक बॉनफायर जला हुआ है और कुछ है। गाय क्या कर रहे हो तुम, घास फूस खा रहे हो। और कुछ क्या सामने क्या है, ये क्या है मेरे सामने, एक छोटू सा गाँव। उस तरफ भी एक गाँव था, इस तरफ भी। वो दूर से मुझे कुछ चर्च टाइप लग रहा है, तो चलो चल के देखते हैं। एंड ये लो हम आ चुके हैं उस गाँव के अंदर। एंड इस गाँव पे कुछ लिखा हुआ है, साइन बोर्ड से कुछ लिखा हुआ, वेलकम टू रेड कैसल विलेज चर्च लाइब्रेरी। ओके रेड कैसल का मतलब इस कैसल का चर्च इस जगह पे एंड कुछ गांव वाले यहाँ पे रहते वहते भी है एंड इसके अंदर कुछ है अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बस घंटा ही घंटा। अभी मेरे सामने एक ढंग का शॉप नजर आ रहा है एंड इस शॉप के अंदर चलते हैं, देखते कुछ ढंग का चीज मिलता है क्या नहीं। हेलो, शॉप के अंदर कोई है? हेलो भाई, यहाँ पे भी रेंडर नहीं हो पा रहा, चमक रहा है। ये रहा शॉपकीपर। आप भाई शॉप कुछ मिलेगा शॉप के अंदर खाना पीना। चलो स्टोर रूम पे देखते हैं इसका कुछ है क्या नहीं। अबे चूरन के बच्चे, शॉप के अंदर माल नहीं है, शॉप खोल के बैठा हुआ है। मत करते शॉप, अभी शॉप छोड़ो, चलो चर्च की तरफ बढ़ते हैं। चर्च के अंदर जाएंगे, खूबसूरत मतलब बहुत ही खूब है ये चर्च। इस चर्च के अंदर जाने का रास्ता ये रहा एंड वो क्या बनाया हुआ है ये चर्च, वो बहुत खूब बहुत खूब। ये वही जगह है जब जिस जगह पे सब लोग आके प्रे करते हैं एंड यहाँ पर एक रूम है छोटू सा। अच्छा ओके, इस तरफ कुछ बेल फेल टाइप है और कुछ नहीं। ये जो चर्च का बड़ा बेल होता है ना, वो बेल है एंड और कुछ भी ज्यादा नहीं है, बस सिंपल सा एक चर्च है लेकिन बहुत ही सुंदर है। ये लो, ये इंटरमैन का काम मिट्टी पिट्टी थोड़ के रहेगा। तो कल फैमिली हम पर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक एंड रेड कैसल का फुल एक्सप्लोरेशन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे न्यू मैप के साथ, तब तक के लिए बाय।